हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु जी ते। दोस्तों, वार्ड अटेंडेंस दे एग्जाम दे लई असी साइंस दी सीरीज स्टार्ट कीती हुई है। इस विच असी साइंस दे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करदे हां। हां जी, ए इस सीरीज़ दा सतवां पार्ट रहेगा। इस तो पहला इस दे 6 पार्ट अपलोड ने। जेकर तुसीं ओह 6 पार्ट नहीं वेखे तां उहनां दा लिंक तुहानूं इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'च मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसीं ओह वीडियो वेख सकदे हो। हाँ जी, आज दी वीडियो नू स्टार्ट करन तो पहला, जेकर तुसी साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना ते नाल लगे बेल आइकन नू भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानू साडी हर एक नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलदी रहेगी। हाँ जी, स्टार्ट करदे हां जी अज दी वीडियो नू। हाँ जी, साडा फर्स्ट क्वेश्चन दित्ता होया है, ओह केड़ा रोग है जो एक बार हो जाण तो बाद दोबारा नहीं हुंदा। साडे कोल 4 ऑप्शन दिते होए ने। फर्स्ट हैगा जी बुखार, सेकेंड ऑप्शन हैगा खांसी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी चेचक, ते फोर्थ हैगा पीलिया। हाँ जी, आपां दसना है कि वह केड़ा रोग है जो एक बार हो जाण तो बाद दोबारा नहीं हुंदा। तां इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर अपना हो जाएगा जी सी, चेचक। हाँ जी, चेचक एक अजिहा रोग है जो एक बार हो जाण तो बाद दोबारा नहीं हुंदा। चलदे हां नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी, सोजस दे कारण आम प्रवाह की पेंदे हन। 4 ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा जी फुलना, यानी कि शरीर का फुलना, सैकेंड ऑप्शन हैगा दर्द होना, थर्ड ऑप्शन हैगा जी बुखार, तो फोर्थ हैगा ये सारे। हाँ जी, आप दसना है कि सोजस दे कारण आम प्रवाह की पेंदे ने। तो ये तीनों प्रवाह पेंदे ने जी, शरीर का फुलना, दर्द होना, तो बुखार होना। इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, ए सारे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता जी, दिमाग ते सूखम जीवों के हमले के की लक्षण हैं। 4 ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा जी सिरदर्द, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी उल्टी आना, थर्ड ऑप्शन हैगा जी चक्कर जां बेहोशी, तो फोर्थ हैगा ये सारे। हाँ जी, जदों अपने दिमाग ते सूखम जीवों का हमला हुंदा है तो की कुछ हुंदा जी, सिरदर्द भी हुंदा है, उल्टी आना भी स्टार्ट हो जाता है, तो चक्कर जां बेहोशी भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सारे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जापानी बुखार किस अंग नूं प्रभावित करती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। 4 ऑप्शन दिए हुए ने। फर्स्ट हैगा जी आंत, सैकेंड ऑप्शन हैगा पैर, थर्ड ऑप्शन हैगा जी दिमाग, तो फोर्थ हैगा जी पेट। हाँ जी, जिहड़ी जापानी बुखार होंदी है वो साडे शरीर ते किहड़े अंग नूं प्रभावित करती है, वो करती है जी दिमाग नूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नूं लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो नूं शेयर करो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, पीलिया का कारण कौन है। 4 ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा जी मच्छर, सेकेंड ऑप्शन हैगा जी कमजोरी, थर्ड ऑप्शन हैगा हेपेटाइटिस बैक्टीरिया, तो फोर्थ हैगा जी इन विचों कोई नहीं। हाँ जी, आप दसना है कि पीलिया का कारण कौन है। तो पीलिया हेपेटाइटिस ना दे बैक्टीरिया कारण होंदा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है अपना करैक्ट हो जाएगा, हेपेटाइटिस बैक्टीरिया। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा, छूत दे रोग किस कारण फैलते हैं। 4 ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा जी हवा राही, सैकेंड ऑप्शन हैगा पानी राही, थर्ड ऑप्शन हैगा जी लिंगी संपर्क ते जंतुआं राही, ते फोर्थ हैगा इन्हां सारियां कारण। हाँ जी, आपां दसना है कि छूत दे रोग किस कारण फैलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हैगा जी हवा राही, तो हवा राही भी फैल सकते हैं। सैकेंड ऑप्शन दिता जी पानी राही, तो पानी राही भी फैल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हैगा लिंगी संपर्क ते जंतुआं राही, तो इन्हां राही भी फैल सकते हैं। इसलिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हां सारियां कारण। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा अपनी बीमारी के बारे विच अपने करदियां नूं दसण दे योग नहीं, तुहानूं किस गल तों पता लगेगा कि बच्चा बीमार है। हाँ जी, ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। 4 ऑप्शन ने। फर्स्ट हैगा जी बच्चे का रंग पीला पै जांदा है, सैकेंड ऑप्शन हैगा बच्चे नूं भुख घट लगती है, थर्ड ऑप्शन हैगा जी बच्चे नूं वधेरे थकान हुंदी है ते भार भी घटता है, तो ऑप्शन डी दिता जी इन्हां सारियां कारणां नाल।
जी क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देने, एक बच्चा अपनी बीमारी के बारे में अपने घरदियां नूं दसण दे योग नहीं, तुहानूं किस गल तो पता लगेगा कि बच्चा बीमार है? फस्ट ऑप्शन सी कि बच्चे का रंग पीला पै जांदा है, सैकेंड सी जी बच्चे नूं भुख घट लगती है, थर्ड है बच्चे नूं वधेरे थकान ते भार भी घटता है, तो फोर्थ है इन्हां सारियां कारणां नाल। इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, इन्हां सारियां कारणां नाल पता लग जांदा है। तो अपना अठवां क्वेश्चन है जिहड़ा ये सत्तवें क्वेश्चन नाल भी रिलेटिड है कि उपर दसे कारणों तो तुहानूं की पता लगता है कि बच्चे नूं कीड़ी बीमारी हो सकती है? जी हुणे आपां कारण पढ़िया कि बच्चे का रंग पीला पै जांदा है, बच्चे नूं भुख घट लगती है, बच्चे नूं थकान हुंदी है, तो भार भी घटदा है। तां अठवां क्वेश्चन आपां दसना है कि उपर दसे कारणों तो तुहानूं की पता लगता है कि बच्चे नूं कीड़ी बीमारी है? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी दस्त लगने, सैकेंड ऑप्शन है जी खांसी हो जाना, थर्ड ऑप्शन है पीलिया हो जाना, तो फोर्थ है जी इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेकर बच्चे का रंग पीला पै जांदा है, बच्चे नूं भुख घट लगती है, वधेरे थकान हुंदी है, तो भार भी करता है, तो बच्चे नूं कीड़ी बीमारी हो जाती जी पीलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हेठ लिखियां तो तुहाडी कीड़ी हालातों विच बीमार होने की संभावना है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन ने कि जदों तुहाडे पेपर हो रहे होण, सैकेंड ऑप्शन है जदों तुसी बस जां ट्रेन विच दो दिन का सफ़र किया होवे, थर्ड ऑप्शन है जी जदों तुहाडा दोस्त खसरे तो पीड़ित है, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स दसना है। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देना कि हेठ लिखियां तो तुहाडी कीड़ी हालातों विच बीमार होने की संभावना है? फस्ट दिता जी जदों तुहाडे पेपर होण, सैकेंड ऑप्शन है जदों तुसी बस जां ट्रेन विच दो दिन का सफ़र किया होवे, थर्ड ऑप्शन है जी जदों तुहाडा दोस्त खसरे तो पीड़ित होवे, ते फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी अज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अछूत दे रोग का नाम दसो, चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है जी खसरा, सैकेंड ऑप्शन है कैंसर, थर्ड ऑप्शन है जी डायबिटीज़, तो फोर्थ है ये सारे। हाँ जी ये तीनों जोड़े दिते हुए ने ये सारे अछूत के रोग ने, तो इसलिए अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी आज दी इस वीडियो नूं इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी हुए तो वीडियो नूं लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो नूं शेयर करो। जेकर तुसी साडे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, फस्ट टाइम साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना, तो नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना, जिस दे नाल तुहानूं साडी हरेक वीडियो की नवी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो से, उदों तक दे लई टेक केयर।